आज यहाँ किसी नेता का जन्मदिन नहीं है। ये भीड़ जबलपुर नगर निगम को शहर की सड़क के हालात दिखाने के लिए इकट्ठा हुई है। वीडियो में जो लोग पेड़ लगाते आपको दिख रहे हैं, ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, जो मेडिकल के पीछे वाली सड़क पर बेशर्म और अंडी के पेड़ लगाने के साथ नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अब सड़क के बीचों बीच पेड़ लगाने की असल वजह क्या है, यह आप महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद जीतू कटारे के स्वयं वक्तव्य से सुनेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है। जब सुबह के समय यहाँ पर पाइपलाइन का पानी सड़क पर बहता है, तो उससे कुछ लोग अपने गाड़ियों को नहलाते हैं, साफ करते हैं और साथ में खुद भी नहा करके किनारे हो जाते हैं। विगत 2 माह से ये जो सड़क है जो पिसनारी मढ़िया से धनवंतरी नगर की ओर आती है, इस सड़क में बीच सड़क में एक चैम्बर फूटा हुआ है, जिसकी शिकायत जिम्मेदारों को कई बार करी गई, मगर उसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है सही से, वैसे में लाखों गैलन पानी जो है वो इस गड्ढे से बह रहा है और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले जो ये गड्ढा था ये बहुत ही छोटा था, जो कि आज बहुत बड़ा हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ा हो चुका है, जिससे छोटे वाहन ऑटो वगैरह पलट रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, मगर जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है कि जैसे ही सुबेरे के समय इस फूटी हुई पाइपलाइन से पानी गिरता है, वैसे ही यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ बीच रोड में धुलने लग जाते हैं और कुछ लोग खुद को नहाने और कपड़े साफ करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं। द लुक न्यूज़ जबलपुर की रिपोर्ट।